शहद जो है वो शिफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद का मशरूब बेहद पसंद था, आपको कौन सा मशरूब पसंद है? मैचिंग देखते हैं ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारे अमल की मैचिंग कितनी। कोक अच्छी लगती है, कोक के बारे में आप रिसर्च रिपोर्ट्स देखिए, जहां पर ब्लड जम जाता है उसके ऊपर अगर कोक डाल दें वो ब्लड साफ हो जाता है। किसी सड़क के ऊपर से किसी जगह से दाग लग गए हो तो इससे पता लगता है कि कोक की बराह रास्त ब्लड के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो अच्छा नहीं है। और ये कि इसके बारे में जो तहकीकात हैं वो साबित करती हैं कि इसका ना हड्डियों पर अच्छा असर है ना ब्लड के ऊपर अच्छा असर है, सेहत तो इसमें है ही नहीं, सरीहन बीमारी है। आप खुद प्रैक्टिस करके देखें, बजायर ऐसा लगता है सिर्फ कोक की बात नहीं है, जितने भी ड्रिंक्स हम यूज करते हैं इसको एक्सेसिव यूज करके देखें, एक सेवन अप के बाद दूसरी सेवन अप पी के देखें, आप खुद ऑकवर्ड फील नहीं करते? तीसरी देखें, चौथी देखें, लेकिन आप शायद को एक बार यूज करके देखें, दूसरी बार तीसरी बार आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब आप देखें कि रसूलुल्लाह ठंडे पानी में शहद को यूज किया करते थे और ये बेस्ट इलाज है, बेस्ट सेहत के लिए बहुत ही मुफीद, यानी इसके वाज़ेह असरात इंसान के कम्प्लेक्शन पर भी जो है मुरतब होते हैं। और फिर ये कि अंदर जो है इंसान के खून पर उसके ब्लड पर भी इसके बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं। इसी वजह से दुनिया में जितने फहम रखने वाले अफराद हैं अपनी रोजाना की डाइट में शहद जरूर यूज करते हैं, तो जितनी सेहत वाली चीजें हैं उनको रोजाना की डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे शहद को जो है मशरूब के तौर पर यूज किया जा सकता है ठंडे पानी में, आजकल कितनी ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा आपका पसीना निकल जाए ठंडे पानी में आप शहद डाल के पिए, आप देखेंगे आप फौरन एक एनर्जी फील करेंगे, क्योंकि शहद डायरेक्टली इंसान को बहुत जल्द फायदा पहुंचाता है। जितनी चीजें सेहत के लिए रसूलुल्लाह ने एडवाइस की है उनका केमिकली तजिया करने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आती है कि वाकईतन उसमें ऐसी रिफाइंड चीजें हैं जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, कि शुगर के पेशेंट्स भी जब इसे हल्का फुल्का यूज कर लेते हैं तो उन्हें भी नुकसान नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसको रब ने शिफा कहा उसमें बीमारी नहीं हो सकती, उसमें खैर ही खैर है। जख्मों के लिए शहद जो है वो बहुत ज्यादा मुफीद चीज है। और इसके अलावा जहर के तजर्बे से बातें पता चलती हैं, बहरहाल शहद को अपनी रोजाना की खुराक में जरूर शामिल कर लीजिए। शहद के बारे में यह भी ध्यान में रखिए कि इसे दूध में मिलाकर पिए तो वो फायदा नहीं होता जितना पानी में मिलाकर यूज करने से फायदा होता, और डायरेक्टली आप बगैर पानी के जब यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होता है। आप इसको हॉट वाटर में यूज करें उसका इफेक्ट डिफरेंट होता है, आप इसको कोल्ड वाटर में यूज करें इसका इफेक्ट डिफरेंट होता है, और इसे दूध में मिलाकर पिए तो इसका इफेक्ट डिफरेंट होता है। तो ये मुख्तलिफ तरह से इसे बीमारियों के इलाज के लिए यूज किया भी जाता है और करना चाहिए। बड़ा दिलचस्प वाकया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहने लगा मेरे भाई के पेट में तकलीफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे शहद खिला दो। तो उसने जाकर शहद खिलाया तो पेट की बीमारी कुछ और बढ़ गई। रसूलुल्लाह के पास दोबारा आया और कहने लगा कि यार रसूलुल्लाह के शहद खिलाया और वो तो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे जाके कुछ और शहद खिला दो। उसने जाके दोबारा खिला दिया और बीमारी और बढ़ गई। तीसरी बार वो आया तो कहने लगा कि या रसूलल्लाह शहद से तो बीमारी बहुत बढ़ गई है, तो आप बताइए कि अब उसका क्या करें? आपने फरमाया अल्लाह की बात सच्ची है, तुम्हारे भाई का पेट झूठा है, आप उसे शहद खिला दो। उसने दोबारा जाके शहद खिलाया, यानी तीसरी बार शहद खिलाया तो उसके पेट की बीमारी को आराम आ गया। तो शहद के बारे में कुरान हकीम में आता है फीही शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। शिफा तो यकीनन है, लेकिन दौर ऐसा है जहां लोग बेयकीनी में मुबतला है क्योंकि ये चीजें इस्तेमाल नहीं करते। इस दौर में हर एक का माइंड प्रिपेयर हो चुका कि तहकीक कर ली गई, इंसानों की तहकीकात के तवसत से जब मेडिसिन मौजूद है तो हमें बहरहाल दूसरी चीजों की तरफ तवज्जो करने की क्या जरूरत। एक मेडिसिन है जो, मैं मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह है कि मेडिसिन के
यूज इट से पहले कितनी ही चीजें सादगी के साथ जो आप अपने खुराक के तवस्सुल से यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से शिफा नसीब हो सकती है। तो शहद बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। मिसाल के तौर पर जिनका बीपी बहुत लो रहता है, शहद की वजह से बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह से पेट के अमराज में, खासतौर पर आप देखिए जैसे अल्सर के मरीज हैं, मुस्तकिल शहद यूज करने से ये बीमारी दूर हो जाती है। इसी तरह से शहद को जो है पेट की दीगर तकालीफ के लिए भी यूज किया जाता है। तो शहद के बारे में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल था, अगर हम उससे देखना चाहें तो बहुत अच्छी गाइडलाइन हमें मिलती है। हजरत आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शीरीनी और शहद पसंद था। सही बुखारी की रिवायत है 5682 नंबर पर, जिससे हमें ये पता चलता है कि रसूलुल्लाह शहद से मोहब्बत रखते थे और शहद के मशरूब के बारे में तो हमने देखा ये आपको बेहद पसंद था। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया जो शख्स शहद चाट लिया करे हर महीने में 3 दिन सुबह के वक्त, उसको कोई बड़ी आफत नहीं आएगी, यानी कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। ये रिवायत इब्ने माजा की है 3450 नंबर पर। तो आप देखें ये कितनी बड़ी पेशीन गोई है कि 3 दिन सुबह के वक्त, जो महीने में 3 दिन भी अगर शहद यूज कर लेता है तो बड़ी बीमारियों से महफूज हो जाएगा। और जहर रोजाना अगर इस्तेमाल करने का किसी को मौका मिलता है तो अल्लाह की रहमत और ज्यादा होगी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसुल्ला के पास शहद का तोहफा आया, आपने हम सबको चाटने के लिए थोड़ा थोड़ा बांटा, मैंने अपना हिस्सा लिया, फिर मैंने अर्ज किया या रसुल्ला थोड़ा सा और ले लूं, आपने फरमाया अच्छा। इब्ने माजा की रिवायत है 3451 नंबर पर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से रिवायत है कि रसुल्ला ने फरमाया, ये बहुत अहम रिवायत है कि अलैकुम बिश्शिफाइन अल्लासली वल कुरान, लाजिम कर लो अपने ऊपर 2 शिफाओं को, एक शहद और दूसरे कुरान। तो शहद से भी शिफा मिलती है और कुरान हकीम के बारे में रब्बुल इज्जत ने फरमाया शिफा उल्लिमा फिस्सुदूर, शिफा है जो कुछ सीनों में है, यानी इंसान के दिली अमराज की ये शिफा है।